हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से सिविल साई चैनल पे। कल हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 के 1 to 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे 50 to 100 क्वेश्चंस की। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल हैं, कई लोग उसका कुछ और आंसर बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा, यानी कि शुक्ल यजुर्वेदा की संहिता कौन सी है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें वज्रनामी है, जितना मैंने इसे गूगल पे सर्च किया है, और कई लोगों का इसका मैत्रायणी कहना लगता है उनको कि मैत्रायणी इसका आंसर है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 में एसर्शन रीजनिंग है, जिसमें बोला गया कि टर्किश इन्वेजन्स ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल, देर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया। तो डेफिनेटली जिसने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है उसे ये स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए, इसमें अगर आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से जाएंगे तो सबसे पहले सप्त पगोड़ा इसमें टेम्पल बने थे, उसके बाद शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, फिर उसके बाद बृहदेश्वर, और फिर लास्ट में गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल बने। तो इसका आंसर रहेगा डी अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो किस किंग के बारे में है। तो बहुत इजी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, खारवेला किंग के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 55 में भी एसर्शन रीजनिंग है, जिसमें एसर्शन में है 1946 में मुस्लिम लीग ने अपना कैबिनेट मिशन प्लान का जो एक्सेप्टेंस था उसको विड्रॉ कर लिया था, और रीजनिंग में है कि मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली थी 1946 में। तो देखिए, मुस्लिम लीग ने 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली थी, कुछ लोग इस डाउटफुल हैं कि की थी, देखो इनिशियली नहीं की थी लेकिन लेटर ऑन कर ली थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है वो उसका, तो इसका आंसर बी रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो मेसोलिथिक पीरियड में कहाँ उसका एविडेंस है। तो उसका आंसर है बगोर सी, ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है, दखिल दरवाज़ा गौर में है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है वो जौनपुर में, लेकिन अदीना मस्जिद मांडू में नहीं, यानी कि मालडा में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए गलत है। फिर इसके बाद 58 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, इसमें बाकी सारे सही हैं, तो अगर आपको ये भी पता है कि जो रसखान है उन्होंने रसिक प्रिया नहीं लिखी थी, तो सी इसका ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, उसमें फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं वो पूछा गया है। तो इसको क्रोनोलॉजी में अगर लगाएंगे तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच आया था 1850s में, फिर उसके बाद आया था हंटर कमीशन, फिर सैडलर, और फिर सर्जन प्लान आया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन रहेगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत ही ज़्यादा कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से कि अभिनव भारत सोसाइटी किसने फाउंड की थी। तो वो थी वी डी सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 61 है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए, संथाल, कोल, खासी, होम्स में से होम जो है वो गलत है, 1815 में नहीं हुआ था, 1828 या 1820s में हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 में कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक, उसके अकॉर्डिंग तो जॉग फॉल हमेशा हम आंसर को लगाते हैं, उसको सही भी माना जाता है। लेकिन मैंने अभी ऑनलाइन चेक करा था कि क्योंकि कुछ लोग मुझे बार बार बोल रहे थे कि कुंचिकाल जो है वो ज़्यादा हाई है, तो मैंने जब हाइट चेक की तो कुंचिकाल 1493 फीट है और जॉकफॉल 8829 फीट है। तो अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कुंचिकाल इसका आंसर है। तो जो ऑफिशियल आंसर की होती है उसमें जॉकफॉल्स को सही माना जाता है। आई डोंट नो क्या होगा इस बारी, लेकिन अगर क्वेश्चन के एग्जैक्ट फॉर्मेट पे मैं जाऊँ तो बी इसका आंसर है, कुंचिकाल फॉल। क्वेश्चन नंबर 63 है कि वेजिटेशन इज़ द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, यानी कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ए, थॉर्नवाइट जो थे उन्होंने ये कहा था। 64 क्वेश्चन है पैम्पस के बारे में। देखिए, ग्रासलैंड्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से, अर्जेंटीना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें से करेक्टली मैच्ड क्या नहीं है। तो देखिए, इसमें सोनोरन यूएसए में है, तकला मकान चाइना में है। तो डी, देखिए, गिब्सन डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राज़ील में नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए कॉफ़ी प्रोडक्शन के, 2016 के हिसाब से। तो जब हम इसको कॉफ़ी प्रोडक्शन में लगाते हैं तो सबसे पहले ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन है। तो देखिए, अगर ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा है तो ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो अगर आपको डाउट होगा तो बी और डी ऑप्शन में होगा। लेकिन सेकेंड नंबर पर है वियतनाम, देन कोलंबिया और फिर इंडोनेशिया। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया यूरोप के बीच में जो मैरिटाइम डिस्टेंस था
वो स्विज कैनाल बनने के बाद कितना रिड्यूस हो गया? तो देखिए 7000 किलोमीटर्स रिड्यूस हुआ। फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, इंटेलिजेंट है अगर छोड़ दिया होगा तो, क्योंकि 5, 7, 8, 10 में काफ़ी लोगों को डाउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 में जो मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स हैं इंडिया के, उनको उनके एस्टैब्लिशमेंट के ईयर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए जो दिल्ली का है वो लास्ट में बना था, ठीक है, तो उस हिसाब से आप ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट था वो था कोलकाता। तो अगर दो भी आपको आइडिया है कि सबसे अभी रिसेंट कौन सा है तो वो दिल्ली है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत इजी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल के बारे में, ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं और मैच्योर सॉइल होती है और मॉइस्चर रिटेंशन करती है। तो अब देखिए डी ऑप्शन आप पढ़ते ही आपको लगेगा गलत है कि ये हिमालयन रीजन में पाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं पाई जाती हिमालयन रीजन में, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैकमोहन लाइन पे है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडिया और चाइना। 71 क्वेश्चन है, बर्ड फूड टाइप डेल्टा रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी की घटना चक्र में है, मिसिसिपी रिवर पे बर्ड फूड डेल्टा बनता है। 72 क्वेश्चन है कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसका आउटकम है? तो देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक बार आ चुका है, तो इसमें माइग्रेशन नेचुरल ग्रोथ नहीं है पॉपुलेशन की, तो सी को आप हटा दीजिए। उसके बाद बचा ए सी और डी। तो देखिए जो मैरिजेज हैं, मैरिज भी नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का आउटकम नहीं है, तो इसमें से डी भी हट जाएगा। तो इसमें देखिए क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट सिर्फ दो ही इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी, ए एंड बी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे पहले किसने डेवलप की थी? यूएनडीपी ने। क्वेश्चन नंबर 74 है कि लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मनरेगा है, इजी क्वेश्चन था। 75 जो है लॉरेंस कर्व को मेजर, लॉरेंस कर्व से क्या मेजर करते हैं? तो जो इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको आता होगा, कुछ लोग कन्फ्यूज हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट का कर्व है, पॉपुलेशन का है या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का है, तो ये है डी ऑप्शन, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो देखिए जो हमारा करंट ज्योग्राफी पॉलिटी इसको मिलाकर इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं 80 से ऊपर, कि जिन लोगों को इकोनॉमी नहीं भी आती या कम आती है वो कंपनसेट कर लेते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये लूसेंट जैसी बुक में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आरओ में भी आया था एक बारी। तो कौन सा स्टेट है जो इकोनॉमिकली टॉप पे है लेकिन सेक्स रेशियो के बेसिस पे सबसे नीचे है? तो वो है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा टैक्स है जो ग्राम पंचायत लेती है? तो वो है टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, यानी कि स्थानीय मेलों का कर। 78 में पूछा गया कि कौन से 5-ईयर प्लान में सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस था, तो उसका तो थीम ही यही था कि फास्टर एंड समथिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, तो 12th 5-ईयर प्लान में था ऐसा। 79th क्वेश्चन जो है पूछा गया कि कौन सी सिटी है यूपी में जो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर नहीं आती है? तो वो है गाजियाबाद। तो ये यूपी का करंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फर्टिलिटी रेट का। देखिए काफ़ी लोग डाउटफुल है 2.2 और 2.4 में, ए और बी में, कि इसका क्या आंसर होगा। जो लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे हैं तो उनको डाउट नहीं हुआ होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर बेस्ड आए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको गिनवा दूंगी, जैसे कि ये था, तो जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं उनको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 2.4 अकॉर्डिंग टू मी बी, ये गलत भी हो सकता है बट 99% मैं कह रही हूँ आपको बी ही है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। देखिए कौन सी कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी बीपीएल फैमिलीज़ को अर्बन एरिया में आइडेंटिफाई करने के लिए? तो ये 2010 का क्वेश्चन है, देखिए कितना पुराना क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है डी, हाशिम कमेटी। अगर नहीं आता था तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। देखिए ये जो क्वेश्चन है 81, इसमें तेंदुलकर कमेटी लगाए होंगे कई लोग, बहुत खुश हो रहे होंगे क्वेश्चन ईजी आया था। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिख रहे हैं बहुत इजी हैं, पेपर इजी टू मॉडरेट है लेकिन बहुत इजी नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चंस इजी हैं, जैसे कि कंगारू रैट वाला क्वेश्चन है, कैमल जो है वो पानी स्टोर कर लेता है काफ़ी टाइम तक, कई लोगों को लगा होगा ऐसा नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे चेक करने के बाद, तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। काफ़ी लोग मुझसे कट ऑफ का प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, बाद में बताऊँगी मैं, लेकिन अभी आपको मैं ये बता दूँ काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये मैंने एनवायरनमेंट की वीडियो में आपको कवर कराया था क्वेश्चन, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, 21.54।
क्वेश्चन नंबर 83 प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट की घटना चक्र से आया है, 1973 में होता है ये, लेकिन नियरेस्ट 72 दिया है तो यही इसका आंसर है। 84 क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक बायोम है, तो बाकी सारे नेचुरल है, फ्रेश वाटर, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, तो इसका आंसर है डी, क्रॉपलैंड। 85 क्वेश्चन जो है, कौन सा एनिमल है जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए सर्वाइव कर सकता है, तो देखिए ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, बहुत खुश हो गए होंगे सब, कैमल लगा के आए होंगे और सोच रहे होंगे कि सही है, तो देखिए ये क्वेश्चन गलत निकला है, कंगारू रैट इसका आंसर है। तो इसी वजह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं बता रही हूँ आपको इजी दिख रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 86, NCMB जो है उसका वो कहाँ लोकेटेड है, इंडिया का पहला NCMB वो है जामनगर में, SSC का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 87, दाचीगम नेशनल पार्क जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये नहीं पूछा है कि कहाँ है, तो किसके लिए है, तो कई लोगों ने मस्क डियर सोच के इसको लगा दिया है, बहुत छोटा सा एरर हो सकता है, देखिए बी और सी तो किसी को नहीं लगा होगा, ए और डी में ही डाउट होगा, तो इसका आंसर है डी, हंगुल और कश्मीरी स्टैग, और जिन्होंने सही लगाया वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 88 जो है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, फिर से एनवायरनमेंट का करंट का क्वेश्चन है, और ये मैंने भी वीडियो में कवर किया था एनवायरनमेंट की, सिर्फ 20-25 क्वेश्चन थे, एनवायरनमेंट की वीडियो 10 मिनट की थी, अगर वो देखी होगी आपके 4-5 क्वेश्चन पक्का सही हुए होंगे। तो ये होता है 22 मई को, फिर उसके बाद है इनमें से कौन सा सॉइल से एसोसिएटेड है, तो इडाफिक, क्योंकि इडाफिक का मीनिंग ही सॉइल होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, ये इडाफिक वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आई थिंक 2016 के अपर PCS में शायद ये आ चुका है, एग्जैक्ट ईयर में श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक 2016 का था वो, 16 या 15। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ओजोन की कहाँ पर है, तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर, ये तो बहुत ईजी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, अब लगातार ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये, तो एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी किसकी है ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रही है, तो ऑल ऑफ द अबव, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। इसके बाद इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी का पार्ट क्या नहीं है, बोटैनिकल गार्डन, इजी क्वेश्चन है, यूवी रे सनलाइट से हमें बचाती हैं, तो क्या प्रोड्यूस करता है जब रिएक्शन होती है यूवी रे सनलाइट से, तो इसका आंसर रहेगा ओजोन O3, तो SO2 इसका आंसर नहीं है। 94 क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग, तो देखिए ये भी क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है देखने में, और सब लोगों ने इसको एग्रीकल्चर मार्क किया होगा डेफिनेटली, 90% लोगों ने, क्योंकि एग्रीकल्चर की फील्ड में उन्होंने काम किया है, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ एग्रीकल्चर का नहीं मिला है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है पीस में, तो इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज़ पीस के लिए मिला था, वो भी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 95 है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बाकी भले पता हो ना हो, ओजोन लेयर ट्रोपोस्फीयर में तो नहीं है, क्योंकि अभी पिछला एक क्वेश्चन था स्ट्रेटोस्फीयर, उसी से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था जिसने ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, सिमलीपाल ओडिशा में, डेफिनेटली दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। बाकी के जो लास्ट के 50 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग पसंद नहीं करते ज़्यादा लंबी वीडियोस देखना, और मैं भी आपको बोर नहीं करना चाहती ज़्यादा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, टिल देन टेक केयर एंड चेक दीज क्वेश्चंस एंड आई होप यू आर गेटिंग अ गुड स्कोर। ओके, बाय बाय।